والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله عقیدت اور محبت نال دو چار مرتبہ سارے درود شریف پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا جدا جدا یقین ہے واقعی میرے نبی ورگا کائنات سونا کوئی نہیں آیا او مل کے در آیا آواز بلند کر کے آکھو مدنی مدینے اللہ تواڈے ذوق نو سلامت رکھے مل کے آکھو ذرا مدنی مدینے کوئی سونا نہیں تیرے نال دا مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا سارا زمانہ ہے گدا سارا
जमाना मिलके बोलो जरा सारा जमाना है गदा मेरे सोने आ तेरी आलदा सारा जमाना है गदा मेरे सोने आ तेरी आलदा बसदा रवे सैयदा दर मिल क्या खुद रे कोई सुभान अल्लाह बसदा रवे सैयदा दर आबाद रवे है दर दघर बसदा रवे सैयदा दर आबाद रवे है दर दघर एवें नहीं कोई लज पालदा जिवें ए घराना पालदा एवें नहीं कोई लज पालदा जिवें ए घराना पालदा मदनी मदीने वालिया कोई सोना नहीं तेरे नाल दा रोके कोई रुकदा ही नहीं खावे कोई मुकदा ही नहीं अख्तर सदा चलदा पिया लंगर नबी दी आलदा अख्तर सदा चलदा पिया लंगर नबी दी आलदा मदनी मदीने वालिया कोई सोना नहीं तेरे नाल दा अल्लाह जल्ला मजदू दी हमदो सना तो बाद आका इनामदार मदनी ताजदार महबूबे परवरदिगार शबे असरात दुल्हा सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया सरताजुल अंबिया सनदुल अंबिया ततिम्मे अंबिया मिजानुल अंबिया खातिमुल अंबिया खत्मुल अंबिया बल्कि फखरुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम दी बारगाह मुकद्दसा दे अंदर दुरूद व सलाम दा नजराना अकीदत व मोहब्बत पेश करने तो बाद गिरामी मंजलत वाजिब ताजीम मेरे मसलक दे मुक्तदर उलमाए कराम नातखाना ने शीरी लिसान मुअज्जज़ व मोहतरम सामईन हजरात अज दी खूबसूरत तकरीब बसिलसिलाए उर्स मुकद्दस हजरत मौलाना अल्लामा मियाँ मोहम्मद तुफैल साहेब नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्हां दी याद दे अंदर उन्हां दे इसाले सवाब की खातर इस खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन साड़ी सारियां दी इस हाजरी नू अपनी बारगाह विच शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए और किबला मियाँ साहब दे अल्लाह दराजात बुलंद फरमाए और जितने हबाब इस खूबसूरत तकरीब के अंदर शरीक हो अल्लाह ताला
सब दी हाजरी नू अपनी बारगाह विच शर्फ कबूलियत अता फरमा के इन्हां वास्ते इस नू दारैन दीआं सआदतां दा बाइस बनाए। हजरत मौलाना अल्लामा हाफिज गुलाम अब्बास साहेब नक्शबंदी दामत बरकातु मुलालिया उन्होंने हुक्म फरमाया अपने वादे दे मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हाँ बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद दे जनाब दे सामने कुरान पाक दे चंद अल्फाज तिलावत करने दा शरफ हासिल कीता है। दुआ है अल्लाह हक बयानी दी तौफीक अता फरमाए। मैं रमजानुल मुबारक दे मुकद्दस महीने दे अंदर मदीना तैयबा और मक्का मुअज्जमा शरीफ हाजिर सा तो वापसी आया तो किबला हाफिज साहब ने फरमाया कि उर्से मुकद्दस की सालाना तकरीब आ गई ते तुसी हाजिर होना। मैं कहा जी इंशाल्लाह हाजिर होवांगा। तो मैं अर्ज की जनाब मेरा मौजू की होना है इस बारी। उन्हें कहा जी मक्का मदीना शरीफ वेख के आए हो तो सानू मक्का मदीना शरीफ दी गल्लां ही सुना छड़िया जी। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ दी गल्लां सुना दिया जी। यकीनन मदीना तैयबा की हाजरी और मक्का मुअज्जमा शरीफ की हाजरी यकीनन ने बहुत बड़ी सादत की बात है। ई सादत बज़ोरे बाजू नेस ता न बख्शद खुदाए बख्शिंदा। ये सादत पैसों नाल ते बाहों के टिल नाल नहीं लभदियां। जिदे ते अल्लाह करम फरमांदा है उन्हों ही ये सादत अता फरमांदा है। मैं गल मक्का शरीफ तो शुरू करना चाहना। मक्का शरीफ कितों गल शुरू करनी या अल्लाह जिन्ना बंदिया ने मक्का शरीफ का नाम लिया है ना ऐसे साल सारे नू मक्के लै जा कितों शुरू करनी भी गल अज दी सारे एक बारी लवो हाँ मक्का शरीफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। सरकार इरशाद फरमाते ने जदों बंदा ईमानदार बंदा पहली निगाह बैतुल्ला शरीफ वल वेखदा है फरमाया गुनाहां तो इंज पाक हो जांदा है जिवें अज मां दे पेट चो पैदा होकर दुनिया ते आया है। अलामा इस्माइल अकी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी दिलचस्प एक बात लिखी। फरमाते ने एक बाप तैयारी करके ते घरों टुरन लगा वो गंढड़ी शंढी बन ली। जो टुरन लगा तो छोटा जा बच्चा आके बाप दी लत्तां नूं चिमट के कहन लगा बाजी तैयारी की जे किधर चले हो। उन्हें कहा पुत्र मैं मक्का शरीफ चलिया। तो पुत्र निका जा बचपन का जमाना सी उस बच्चे का छोटा जा बच्चा आंदा अब्बा जी ये मक्के की है मक्के की है। बाप ने हुण सोचा भी इहनूं मैं किवें समझावां। तो बाप बच्चे का जुमला सुन के ते बाप ने बच्चे नूं समझाण दी खातर बिल्कुल सादे जे लफ्ज़ां जुमला बोलिया। बाप कहिंदा पुत्र उत्थे अल्लाह दा घर है। की है जी माशाल्लाह सारे बोलो दरा उत्थे की है अल्लाह दा घर है। हुण अगला जुमला सुनना जिहड़ा अलामा इस्माइल अकी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखिया। फरमांदे ने जदों बाप ने कहा ना पुत्र उत्थे अल्लाह दा घर है ते बच्चा बोल के आंदा अब्बा जी ये तो दसो जदों बंदा किसी के घर जाए तो घर वाला अगों मिलता भी है। जदों बंदा किसी के घर जाए तो घर वाला उन्हें मिलता भी है। बाप ने बच्चे के सिर ते हाथ रखिया तो इंज फड़ के सीने ना ला के ना कहिंदा हाँ बेटा जदों किसी के घर जाइए तो घर वाला मिलता है। आंदा अब्बा जी जे अल्लाह के घर जावांगे अल्लाह मिलेगा। छोटा जा बच्चा ते उदिया गल्ला देखो तुसी अब्बा जी जे अल्लाह दे घर जावांगे ते अल्लाह सानू मिलेगा। बाप ने बच्चे दा दिल रखदे होया सिर ते हाथ हां पुत्र मिलेगा। ते बच्चा आंदा अब्बा जी जे ओ मिलेगा ते फिर इंज करो मैनू नहीं नाल लै चलदे। हाय हाय हाय। अच्छा उलमा ने इत मुहम्मद हसन भाई एक बड़ी प्यारी बात लिखी कहंदे ने अगर अल्लाह ने तुहानू इस्तताअत दित्ती है ताकत दित्ती है माल दित्ता है ते
जे हो सकता है तो अपने छोटे बच्चों नूं नाल लैके जाओ, छोटे बच्चे अगर चे उन्हां ते हज फर्ज नहीं लेकिन उन्हां नूं नाल लै जाओगे, उन्हें जिन्हें अजे तक गुनाह किया कोई नहीं, उन्हें अजे गुनाह किया नहीं, तो जो उन्हां नूं नाल फड़ के उंगली दे नाल फड़ के जो बैतुल्ला दा तवाफ कराओगे ना तो तुहाडे मुंह चो यकीनन निकलेगा जुमला, या अल्लाह मैं ते गुनाहगार हाँ पर जिहड़े नाल लैके आया इन्हें अजे गुनाह किए नहीं, या अल्लाह इन्हां बचपन का इन्हां दा आलम है, बचपन की उम्र है, या अल्लाह इन्हां दे सदके च या अल्लाह मेरे गुनाह मुआफ फरमा। उलमा लिखते ने फरमाते ने जदों वो छोटे बच्चों नूं नाल लैके जाओगे तुहाडी दुआ ते यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा, जदों बच्चों नूं नाल लैके जाओगे उन्हां दी इबादत बेरिया इबादत होवेगी, अल्लाह उन्हां दे सदके च तुहाडा हज उमरा भी कबूल फरमा लवेगा। बच्चा कहिंदा अब्बा जी फिर मैनूं भी लै चलो, बाप कहिंदा है तू भी पुत्र जाना है, अब्बा जी आपे ध्यान दिओ बई अल्लाह दे घर जाइए तो अल्लाह मिलदा भी तो मैनूं भी लै चलो, तवज्जो है सारिआं दी, सुभान अल्लाह इक वारी फरमा सकदे हो तो फरमाओ हंदरा माशाल्लाह, वाह वाह दे बुलंद कहना दरा सुभान अल्लाह। अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाही ताला ले आप फरमांदे ने, बच्चा अर्ज करदा है अब्बा जी अगर उथे जाया रब मिलेगा, अब्बा जी इंज करो मैनू भी अपने नाल ले चलो। बाप ने जो पुत्र दे नन्ने नन्ने होंठां विचों ये जुमले सुने ने, बाप ने अपने पुत्र नूं सीने दे नाल लाया, पेशानी ते बोसा दिता, बोसा दे के कहिंदा ठीक है बेटा चल मैं भी तेनों अपने नाल लै चलना। अपने बेटे नूं नाल लै के सफर कर दियां कर दियां, बच्चा जदों मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे, मक्का शहर दे अंदर आए, मक्के दियां गलियां च चलदियां जां बाबे बनी शैबा विचों बच्चा अंदर दाखिल होया है, जां पहली नज़र बच्चे दी विसाल कर गया, बच्चे इंज करके अपने हथां ते चुकिया, हथां ते चुके काबा शरीफ वल वेख के अर्ज करदा परवरदिगार आलम या अल्लाह मैं ते अपने इस पुत्र नूं अपने नाल लैके आया सा, या अल्लाह पहली नजर मेरे पुत्र दी तेरे घर पई है ते या अल्लाह ओदी तू रूही कबद कर लई है। हाथ फिर रब्बानी दी तरफों आवाज आई, ए मेरे बंदे गले वे जदो तू खरो टुरिया सै इरादा लेके टुरिया सै मेरे घर वेखण दा, तू मेरा घर वेख लिया है ते जिहड़ा तेरा पुत्र सी ना वह सिर्फ घर वेखण नहीं सी आया बल्कि घर वाले नूं वेखण वास्ते आया होया सी, वो सिर्फ काबा वेखण नहीं सी आया बल्कि काबे दे मालिक नूं वेखण वास्ते आया सी, जिहड़ा सानू वेखण वास्ते आया सी असां उहनूं अपने कोल बुला लिया। गिरामी कदर हजरात मक्का भी बड़ी अजमत वाला है, मक्का भी बड़ी शान वाला है, मक्के दे अंदर खुदा दी इज्जत दी कसम बड़ियां निशानियां ने, अगर काबे दा तवाफ करिए ते एक पत्थर जिन्हों किया जांदा जब हजरे असवद हजरे असवद हजरे असवद ए ओ पत्थर जिहड़ा जन्नत विचों आया सी, मेरे आका फरमांदे ने कयामत दा दिन होएगा अल्लाह करीम इस हजरे असवद नूं अखां अता करेगा, हजरे असवद इह कयामत दे मैदान दे अंदर महशर दे मैदान दे अंदर उहनां लोगां दी शफात करा के जन्नत च लै जाएगा जिस जिस बंदे ने हजरे असवद नूं पोसा दिता होएगा या उहदा इस्तेलाम कीता होएगा। गिरामी कदर हजरात मक्का भी बड़ी अजमत वाला, मक्का भी बड़ी शान वाला, ये ओ शहर है जिदे मुतालिक अल्लाह करीम कुरान मजीद अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाया ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद वअंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, फरमाया सोनिया मैनू इस शहर की कसम है या अल्लाह इस शहर की कसम इस वास्ते उठा रहा है कि इत्थे तेरा इज्जतां वाला घर खाना काबा है, इस वास्ते कसम उठा रहा है कि इस शहर के अंदर हजरे असवद मौजूद है, इस वास्ते या अल्लाह कसम पे उठाना है कि इस शहर के अंदर मुकाम इब्राहिम मौजूद है,
इस शहर के अंदर या इलाह अलामीन जबले सफा मौजूद है, इस शहर के अंदर या अल्लाह सफा ते मरवा मौजूद है, या अल्लाह इस शहर के अंदर जमदम का कुआं मौजूद है, इन चीजा वास्ते कसम उठा रहे हैं। अल्लाह फरमांदे कायनात आलियो ये सारिया चीजा इस शहर च मौजूद ने पर इन चीजा वास्ते कसम नहीं उठाता पिया, या अल्लाह फिर केड़ी वजह है जिदे तो तू कसम उठा रहे हैं। अल्लाह फरमांदे वा अंत हिलुम बिहादल बलद, ओ कायनात आलियो इन शहर इस गलिया की कसम ता पिया उठाना वा कि इन गलिया विच मैनू मेरा महबूब चलता फिरदा पिया नजर आउंदा है। हाथ चुके बोलिए तेरा एक बार सुभान अल्लाह, फिर माशाल्लाह हजे भी कई हाथ थले ले बुलंद करके बोलिए सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हजरात मक्का भी अजमत वाला, मक्का भी बड़ी शान वाला, पर आओ गल सुनो, एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नहीं, बेशुमार मुफस्सरीन ने इस बात को लिखा। फरमाते ने मक्का शहर के अंदर जदों तेरे ते मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मक्का पाक तो हिजरत फरमाई, मेरे आका जदों मदीना तैयबा तशरीफ ले आए, आका करीम दे मदीना तशरीफ लियाउण तो बाद मक्के दे अंदर हजूर दा एक सहाबी है जिन्हों का नाम जनाब जंदु बिन जमुरा रदी अल्लाह ताला अन्हो है। घर विच बैठे बैठिया बैठिया अखां विचों आंसू जारी हो गए, बच्चे आ गए करीब आके आंदे ने अब्बा जी की गल है, साड़ी तरफों कोई तकलीफ पहुंची? पाप कहंदा बेटा नहीं। अब्बा जी कोई पोतरिया वालों कोई तकलीफ कोई शिकायत? फरमाया नहीं बेटा। अब्बा जी कोई नूहा वालों तकलीफ हुई है? फरमाया नहीं बेटा। अब्बा जी फिर रोण की वजह की है? अब्बा जी फिर रोए क्यों? हजरत जंदु बिन ज़मुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप फरमान लगे, ओ पुत्रो मैनू ना नूआ वालों कोई तकलीफ है, ना पोतरिया दोतरिया वालों कोई तकलीफ है, ना तुहाडे वालों तकलीफ है। अब्बा जी फिर रोण की वजह की है? सहाबी रसूल रो के आंदे ने, ओ पुत्रो वजह वे मुस्तफा करीम मदीने चले गए ने, मेरा मुस्तफा तो बगैर मत मक्के विच दिल नहीं पिया लगता, हजूर तो बगैर मेरा आ मक्के दे अंदर दिल नहीं पिया लगता। आखन लगी अब्बा जी फिर तुसी चांदे की हो? हजरत जंदु बिन ज़मुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आ फरमांदे ने, पुत्रो अगर मेरे नाल भलाई करना चाहते हो ते इंज करो पुत्रो, जिन्नी जल्दी होंदा है मैनू मदीने ले चलो। हाय ए बेटा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए हक अहले सुन्नत हजरत अल्लामा तैयब रशीद सिद्दीकी साहब। फरमाया पुत्रो अगर मैनू राजी करना चाहते हो? जी अब्बा जी बिल्कुल राजी करना चाहने। बेटा फिर इंज करो मैनू मदीने ले चलो। किथे ले चलो? बोलो जरा किथे ले चलो? है तुहाड़ा भी इरादा मदीना शरीफ जाण दा? बोलो फिर जरा एक बारी मदीना शरीफ का नाम लवो। हाँ जरा किथे ले चलो? टट के बोलो किथे? ठीक है अब्बा जी असी हाजिर हाँ। हजरत जंदु बिन ज़मुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पुत्रा ने बिठा लिया सवारी ते, सवारी ते बिठा के जदों लैके मक्के विचों निकले, तफसीर कुरतबी दे अंदर इमाम कुरतबी ने नकल फरमाया, तफसीर इबने कसीर दे अंदर अबुल फिदा इमादुद्दीन इबने कसीर लिखिया, अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला ले तफसीर रूहुल बयान च लिखते ने, हाशिया तुसावी च रवायत मौजूद है, अल्लामा सैयद महमूद अलूसी अल बगदादी ने रूहुल मानी शरीफ इस रवायत को लिखिया, तफसीर उल कशाफ च अल्लामा जमकसरी ने भी इस बात को नकल फरमाया, इमाम बगवी ने तफसीर बगवी विच लिखिया, इमाम खादिन बगदादी ने तफसीर खादिन च लिखिया, अल्लामा इमाम जरीर तबरी रहमतुल्लाह ताला ले आपने तफसीर तबरी च लिखिया है, कहते ने जदों हजरत जंदु बिन ज़मुरा रज़ी अल्लाह
सवारी ते बिठा के जदों लैके चले ने मदीने वाले जदों मुंह कर लिया है। हुण गिरामी कदर हजरात हजरत जंदुब बिन जमरा ए भी सहाबी ने ते पुत्र भी मुस्तफा करीम दे गुलाम ने। गिरामी कदर हजरात सहाबी नूं पता सी मैं जिथे रहिंदा वां ये शहर ओ शहर है जिथे एक नमाज पढ़ीए ते लख नमाजां दा सवाब मिलदा है। अज कई सानू आंदे ने जी वेखो ना ये मदीने की लैण जाना है, ये वेखो ना मक्का बड़ी शान वाला है, ये मक्के च एक नमाज पढ़ीए ते लख नमाज दा सवाब है। मैं क्या गल बिल्कुल ठीक है, मैं क्या क्या सहाबी नूं नहीं सी पता कि मैं जिथे रहिंदा वां इत्थे एक नमाज पढ़ीए ते लख नमाज दा सवाब है। लेकिन गिरामी कदर हजरात सहाबी नूं भी पता सी पर मुस्तफा दे गुलाम दसना है चाहे ओ कायनात लियो मैं जानना वा इत्थे नमाज पढ़ीए ते किनियां नमाजां दा सवाब मिलदा है, पर तुसी नहीं जानदे ये नमाजां दी अजमत समझाण वाले मुस्तफा मदीने विच बैठे होए ने। सहाबी रसूल जदों सवारी ते बैठे जदों पुत्र लैके तुर पे मक्के चो जदों निकले अज जिथे असी जाके इहराम बनने आ उमरा करके फिर इरादा होवे उमरा करने दा मस्जिद आयशा भी जाने आ उहनूं कहिंदे ने मुकामे तनईम। जदों उस मुकाम ते सवारी आई हजरत जंदुब बिन जमुरा रदी अल्लाह तआला अन्हु दी तबीयत अलील हो गई। पुत्रां नूं कहिंदे ने पुत्रो सवारी बिठा दियो। जदों सवारी बिठा दित्ती अब्बा जी की गल है, फरमाया पुत्रो मेरी तबीयत अलील हो गई। पुत्रो तबीयत खराब हो गई। हजरत जंदुब बिन जमरा जदों जमीन ते बह गए मेरा विजदान कहिंदा जदों गुलाम जमीन ते बैठा होएगा सोचदा ते गुलाम होणा मक्के चों निकलिया वा सफर शुरू कीता है ते तबीयत भी मेरी अलील हो गई। पता नहीं हुण केड़े वेले मालिक दा पैगाम आ जाए केड़े वेले मेरी रूह कबज कर दिती जाए। यकीनन गुलाम कहंदा हुणे दो घड़ियां ठहर जा ए तकदीरे दो घड़ियां ठहर जा ए तकदीरे मैनू लगियां तोड़ निभा लैण दे आपे जान हवाले कर दे सा आपे जान हवाले कर दे सा मेरी जान दराखा आ लैण दे। मुकामे तनीम ते बैठे हैं रूह कब्ज़ से उसरी तो प्रवास कर गया सरकार दा गुलाम विशाल कर गया। जदों हजरत जंदुब बिन जमुरा रदी अल्लाह तआला अन्हु विशाल कर गया ना तो मक्के दे काफरां ने शोर मचाया कह के मारे हसे आंदे ने लै भाई इहनूं बड़ा चाह सी मदीने जाण दा। अज कई आंदे ने तुहानूं बड़ा चाह है मदीने जाण दा। जिहड़े तमस्कुर अमेद हसी हसदे ने ना ये वेखो सुन्नत किहनां दी अदा करदे मदीने जाण वाले दे बारे हसे काफिर बड़ा चा सी इहनूं मदीने जाण दा आंदा सी मैं हिजरत करके चलिया नहीं ना पहुंच सकिया मदीने राह च ही फौत हो गया इहनूं हिजरत दा सवाब लभणा ही कोई नहीं रह गया अद्धे च ही। जदों काफरा शोर पाया इहनूं हिजरत दा सवाब नहीं लभणा अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमा दिया अल्लाह करीम ने कुरान दी आयत नाज़िल फरमा दी। अल्लाह करीम ने फरमाया वमन यखरुज मिन बैतिहि मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलि अल्लाह फरमाया वा मैं यखरुज मिन बैतिहि मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूली फरमाया जेड़ा अपने घरों हिजरत करे या अल्लाह किधर हिजरत करे फरमाया इलल्लाहि व रसूली जेड़ा अल्लाह वल और ओदे रसूल वल हिजरत करे सुम्मा युद्रिकुल मौत
फरमाया हजे पहुंचिया नहीं, रस्ते विच ही मौत आ गई। फरमाया ओ काफिरो तालियां ना मारो कि इनू हिजरत का सवाब नहीं लभेगा। अल्लाह फरमाया फकद बका अजरुहु अल्लाह, फरमाया घरों टुर पिया है ना ये मेरे वल ते मेरे यार वल टुर पिया है, अगर चे रस्ते विच ही विसाल हो गया है, फरमाया असी इनू हिजरत का फिर भी सवाब अता फरमा छड़ांगे। अल्लाह गफूर रहीमा, अर मैं अल्लाह ताला बख्शन वाला भी है रहम फरमाने वाला भी है। गिरामी कदर हजरात मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे शहर वल जान वाले हैं, एज बड़े खुश किस्मत ने जेड़े मुस्तफा दे दर वल जाते हैं। आओ दरा मैं चंद अहादीस थोड़े सामने पेश करना चाहना और जड़ी रिवायात पेश करना चाहना। शिफा उस काम के अंदर अल्लामा तकीउद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह ताला ने आपने इस नकल फरमाया। अल जामियु सगीर के अंदर इमाम जलालुद्दीन इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला ने आपने इस नकल फरमाया। शुआबुल ईमान के अंदर इमाम बहकी रहमतुल्लाह ने आपने इस नकल फरमाया। फैजुल कदीर शरा जामियु सगीर के अंदर अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी रहमतुल्लाह ताला ने आपने इस नकल फरमाया। इमाम दारे कुतनी ने सुनो ने दारे दारे कुतनी च नकल फरमाया। शिफा शरीफ अंदर अल्लामा कादी इमाम अय्याद मालकी रहमतुल्लाहि ताला ले आपने भी इस रवायत को नकल फरमाया। इमाम सखावी रहमतुल्लाहि ताला ने अल मकासिदुल हसना अंदर इन रवायत को नकल फरमाया। शवाहिदुल हक दे अंदर अल्लामा इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नफानी रहमतुल्लाहि ताला ले आपने भी इस रवायत को नकल फरमाया। शरफुन नबी दे अंदर अल्लामा खरकोशी रहमतुल्लाह ले ने भी नकल फरमाया। हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन फी मौजजा सैयदुल मुरसलीन के अंदर अल्लामा नफानी ने नकल फरमाया। हदीस पाक के अल्फाज सुनना ते अपने ईमान ताजा करना। अन इब्ने उमारा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي او كما قال من زار قبري حلت له شفاعتي او كما قال عليه السلام من جاءني زائرا لا يعمل لَهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي مَنْ زَارَنِي مُتَعَمِّدًا كَانَ فِي جَوَارِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَيِّدُنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ فَرْمَانَ मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया मन सारा कबरी वजबत लहू शफाती। हरमाया ओ मेरे गुलामो जिस बंदे ने मेरी कबर दी जियारत कर ली हरमाया उस बंदे ते मेरी शफात वाजिब हो गई है। तकबीर नाराए रिसालत ताजदारे खत्मे नबुवत ताजदारे खत्मे नबुवत ताजदारे खत्मे नबुवत। पर मैं मनजारा कबरी पर मैं जिन्ने मेरी कबर दी ज़ियारत की थी। मेरी दुआ है अल्लाह जिन्ने बैठे ने यह साल दे अंदर अंदर सारे नु ज़ियारत करवा दे। ज़ियारत की थी ओदे ते मेरी शफात वाजिब हो गई। मनजारा कबरी हल्लत लहू शफाती पर मैं जिन्ने मेरी कबर दी ज़ियारत की थी ओदे ते मेरी शफात हलाल हो गई। मन जा अनी जाइरन ला यअमलुहु हाजतुन इल्ला ज़ियारती पर मैं जेड़ा बंदा मेरी ज़ियारत वास्ते आवे सुनो साढ़े कई बंद किथे चलिया भाई मैं सऊदीया चला जी कि यार उत्थे ते हालात अजकल ठीक नहीं बड़ी महंगाई हो गई। ओ यार छड़ चलो कोई दो महीने लावांगे जे ना काम बनिया ते उमरा ते कार ही लांगे ना। ये बंदे साढ़े आंदे ने कि नहीं बोलो सही इंज दा जुमला आखण वालिआं वास्ते हदीस पाक दा तवज्जो नाल सुणिआ सरकार की फरमांदी फरमाया मन जा अनी ज़ाइरन फरमाया जेड़ा मेरी ज़ियारत वास्ते आए ला यामलुहु हाजतुन
इला जियारती फरमाया उन्हूं होर कोई काम ना होवे आवे सिर्फ मेरी जियारत वास्ते ए नहीं जाए उत्थे दरवाजे बनाने जाके चलो जे दरवाजे ना बनवाण गे फिर जियारत ते कारी आवांगे ना फरमाया इंज नहीं फरमाया सिर्फ मेरी जियारत वास्ते आए कोई हाजत होर ना होवे ला यामलहु हाजतुन इल्ला जियारती फरमाया और किसे काम ना आवे यानी गोया सरकार फरमा रहे ने गुलामा जदो करोड़ टुरे ना ते मेरे वल इरादा करके टुरी कि मैं सिर्फ मुस्तफा दी बारगाह सलाम पेश करने वास्ते जा रहा और कोई काम नहीं सरकार को जा रहे आका जेड़ा करो इरादा करके तुहाडे वल आए होर काम भी कोई ना होवे ते फिर मेरे करीम नबी ने फरमाया कान हक्कन अलैया अन अकून लहू शफीयन यौमल कियामा हाय हाय हर मैं जेड़ा बंदा अपने घरों टुरे सिर्फ मेरी ज़ियारत दा इरादा लेके आए होर किसे काम वास्ते ना आवे हर मैं कान हक्कन अलैया अन अकून लहू शफीयन यौमल कियामा हर मैं उस बंदे दा मेरे ते हक है हर मैं कियामत वाले दिन मैं ओदी शफात करा के जन्नत चुनू नाल लेके जाऊंगा हर मैं सिर्फ मेरी ज़ियारत वास्ते आए अगली हदीस मुबारक सुनो मेरे आका ने फरमाया मन हज्जा फजारा कब्री बाद वफाती फका अन्नमा ज़ारनी फी हयाती फरमाया जिन्हें हज कीता हज तो बाद फरमाया मेरी कब्र दी ज़ियारत कीती फका अन्नमा ज़ारनी फी हयाती फरमाया ओ ए ना समझे कि मैं पत्थर ते रोड़े वेख के जा रहा वा पर मैं इंज समझे जिवें मुस्तफा दी हयाती विच ज़ियारत करके जा रहे हो अगली हदीस मुबारक सुनना मेरे नबी ने फरमाया मन हज्जल पैता वलम यज़ुरनी फकद जफानी औ कमा काल फरमाया जिस बंदे ने हज कीता हज करके फरमाया ओ बंदा मेरी ज़ियारत वास्ते ना आवे फकद जफानी फरमाया उन्हें मेरे ते जफा की थी फरमाया मन ज़ारनी मुतअम्मिदन कान फी जवारी यौमल क़ियामा फरमाया जेड़ा इरादा करके आवे मेरे वल फरमाया इरादा करके आवे कि मैं मुस्तफा दी ज़ियारत करने वास्ते जा रहे हूँ फरमाया कान फी जवारी यौमल क़ियामा फरमाया ओ मेरा उम्मती क़ियामत वाले दिन मेरे जवार मेरे गवांढ च होएगा खुदा दी कसम पुछण डे कि रब दा महबूब ही उथे सादा जा जुमला रब दा सारे बोलो रब दा महबूब ही उथे और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दा इरशाद गिरामी बुखारी मुस्लिम तिर्मिज़ी निसाई दीगर हदीस दी किताबां च रवायत मौजूद है मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल मदीना तकलकीर फरमाया मदीना एक पट्ठी दी तरह है किदी तरह बोलिए जरा फरमाया कलकीर पट्ठी दी तरह है तन फी खबतहा व तन फहु तीबहा फरमाया जिम्मे पट्ठी च लोया पाइए लोया अलहदा ते जंगाल मिट्टी अलहदा फरमाया मदीने विच जेड़ा आ जाए ना मेरा उम्मती गुनागार फरमाया उम्मती अलहदा हो जाता है गुनाह अलहदा कर छड़दा मेरा मदीना हाय हाय ए मदीना है मैं सेवा त्याना उन्ना अजब रंग पर है बहारे मदीना अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नते हैं निसारे मदीना के सब जन्नते हैं निसारे मदीना के सब जन्नते हैं
सहारे मदीना। एक बारी पढ़ सकते हो तो मिल के आखो अजब रंग पर है। चलो एक बार सारे मिल के दरा मदीना शरीफ का जिक्र है मिल के आखो दरा अजब रंग पर मदीना अजब रंग पर है के सब जन्नते हैं निसारे मदीना के सब जन्नते हैं। अभी सुन एक हदीस मुबारक और सुन एक किताब है शेखुल इस्लाम इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन महबूद इब्ने नज्जार बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि। किताब का नाम है अद्दुर्रतु समीना फी अखबारिल मदीना। मदीना शरीफ के हालात उत्ते इन्हां बजुर्गों ने किताब लिखी मदीना शरीफ। इहदे च एक बड़ी खूबसूरत एक हदीस मुबारक है ना नकल फरमाई। सफा नंबर है इस किताब का 291। कितना 291 ए खब्बी साइड ए वाकया इत्थों शुरू करदे ने बुजुर्ग फरमांदे ने हजरत सैयद अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक दे रावी ने हजरत अबू हुरैरा सैयद अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने कि नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना ईसा बिन मरियम मारुन बिल मदीनति हाजन औ मुतमिरन वला इन सल्लम अलैया लअरुद्दुन अलैह औ कमा काल अलैहि सलाम। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने नबियां दे इमाम जनाब मुहम्मद मुस्तफा ने फरमाया आपने फरमाया जदो जनाब ईसा अलैहि सलाम आउणगे कुर्बे क्यामत ईसा अलैहिस्सलाम आणगे और बैतुल मकदस के अंदर बैतुल मकदस इसराइल के अंदर आप फलस्तीन के अंदर आप तशरीफ लेके आणगे मस्जिद दी मस्जिद दा मशरकी मिनारा ओदे उत्ते आप उतरणगे ते उतरणगे एक फरिश्ता इधर होवेगा एक इधर होवेगा फरिश्तियां दे मोढ़ियां उत्ते आपने इंज रखे होणगे हाथ उतरणगे मशरकी मीनारे ते उतरणगे ते उस टाइम फजर दी नमाज दा वेला होएगा। हजरत सैयदना इमाम महदी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप उस वक्त उस मस्जिद दे अंदर मौजूद होणगे फजर दी अजान हो चुकी होएगी फजर दी अजान हो चुकी होएगी और नमाज दा वक्त होएगा करीब करीब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनारे ते उतर जाणगे उतरणगे तो फिर फरमानगे मैं ईसा इब्ने मरियम हाँ सीढ़ी लाओ तो मैनू थले उतारो सीढ़ी ला के आपनू उतारिया जाएगा। सरकार फरमाते ने उस टाइम वक्त होएगा नमाज दा तकबीर कह दी जाएगी इमाम महदी कहणगे जनाब मुसल्ले ते खड़े होकर नमाज पढ़ाओ ईसा अलैहि सलाम कहणगे नहीं जनाब अज तुसा ही पढ़ानी है अज तुसा ही। ईसा अलैहि सलाम जदों कुर्बे क्यामत जमीन ते आणगे कोई नवी शरीयत लैके नहीं आउणगे मेरे मुस्तफा दा उम्मती बन के आणगे होणगे नबी ही अल्लाह दे नबी ने लेकिन मुस्तफा करीम अलैहि सलातो सलाम दी शरीयत दा ही प्रचार करणगे। हजरत ईसा अलैहि सलाम पिछे खड़े होके नमाज अदा फरमाणगे। सरकार फरमांदे ने फिर एक वेला ऐसा आएगा सैयदना ईसा अलैहि सलाम आप हज करने वास्ते या उमरा करने वास्ते जो मक्के आउणगे फरमाया सफर कर दिया फरमाया जो मेरी कबर ते आउणगे मेरे आका फरमांदे ने इन्ना ईसा बिन मरियम
मारुन बिल मदीना हाजन औ मोता मिरन। फरमाया जदों मेरी कबर दे कोल आणगे, फरमाया ते कबर दे कोल आके की करणगे, वाला इन सल्लम अलैया। फरमाया मेरी कबर कोल खड़े आया होके ईसा अले सलाम हर आका फरमांदे ने मैनू सलाम करणगे, सलाम करे मैं कबर विचों उन्होंने सलाम का जवाब देंगा। मैं उन्होंने सलाम भाई अल्लाह ताला।